सब तो पहलों सारे नूं फतेह बुलाउंदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज पार्टी दे साडे बहुत ही सत्कारयोग बुलारे सविरसा सिंह बुलटोआ जी उन्हां वल्लों एक दोष लाए गए मेरे ते कि मैं दिल्ली दे विच बीजेपी दे आगू मनजिंदर सिंह सिरसा दे नाल कोई मीटिंगां करन गया होया। बड़ा दुख हुंदा जदों इहियां गल्लां सुणदे आ जदों कोई घटिया राजनीति हुंदी आ। सो इक तां मैं दस दिया कि मैं दिल्ली तों अजे हुणी आया वा ते मैं अपनी वाइफ नूं कनेडा तों लैण गया सी। आ टिकट आ डेल्टा एयरलाइन दी, उह रात तकरीबन 2:05 ते दिल्ली उतरे ने ते हुणे लै के मैं हुणे पहुंचिया। तां रस्ते दे विच ही मैं सुणिया अते कल इत्थों गए आ, घर दा फर्नीचर सी उत्थे मीटिंगां होईयां। जे कोई इह गल साबित कर देण एक आ सोशल मीडिया ते एक मेरी फोटो मनजिंदर सिंह सिरसे नाल चला रहे ने, मेरा ख्याल जिहड़ी 3-4 साल पुरानी होगी क्योंकि उदों मनजिंदर सिंह सिरसा की दाढ़ी काली सी, हुण तां शायद चिट्टी हो चुकी आ। एक किसी रैली की फोटो शायद छपार कॉन्फ्रेंस की होगी, इहनूं इह चला रहे आ। देखो जिहड़ा आई टी सैल अकाली दल दा, अज जिहड़े असीं लंबे समय तो तन मन धन्ना पार्टी की मजबूती लई कम करदे आ 23 सालों तो, अज साणू बदनाम करदे लग्या होया। देखो जे बीजेपी नाल मीटिंगां ही करनियां सीगियां फिर वोट ही पा दे उन्हां नूं। देखो ये गल्लां जिहड़ियां चंगी नहीं लगदियां। साडा एजेंडा देखो वोट तुसी पाउंदे हो बीजेपी नूं, फिर तुसी दोष लाउंदे बीजेपी पार्टी नूं साडी नूं तोड़ रही आ, फिर क्यों वोट पाउंदे उस बीजेपी नूं। सो लेकिन ये गल्लां जिहड़ियां मैं बड़ा स्पष्ट हैगा हर गल दे विच, अंदरों ते बाहरों एक आ। साडा क्लीयर एजेंडा हैगा पार्टी नूं मजबूत करना, कोई निजी कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई डर नहीं। क्यों असी साडा तां कोशिश आ वी लोकां दे विच साडी की इमेज होवे, लोकां दे विच सत्कार होवे, जो साडे तों लोक आस करदे आ असी उस मुद्दियां ते कम करिए। पंजाब दे मसले ने जिहड़े उहनां लई लड़ाई लड़ीए असी, ते इह गल्लां कितें पॉसीबल हो सकदियां नहीं, सोचा जा सकदा। सो मेरा ख्याल पिछले जे साल दो साल साल दे विच वी जदों दे मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल नूं छड्ड के गए ने, मेरा ख्याल कदे सानूं कदे वैसे वी किसे प्रोग्राम ते नहीं मिले हैगे। मैनूं जे गल साबित कर देण तां मैं राजनीति छड्ड दूंगा। सो देखो किसानां दा मुद्दा आया, इह 27 जुलाई दी स्टेटमेंट आ वी भाजपा वल्लों किसान विरोधी फैसले नूं लै के बीबी बादल नूं मंत्री दा उह तां छड्ड देना चाहीदा ते अलायंस तोड़ देना चाहीदा। इह जदों ऑर्डीनेंस आए ने, इस तों 4 महीने बाद पार्टी अलायंस तोड़दी आ ते हरसिमरत कौर जी जिहड़े अपना अस्तीफा दिंदे आ, क्योंकि मैं किसानी नाल जुड़िया होया। हर मुद्दे ते असीं ठीक आ, राजनीति दे विच कई तरह के एजेंडे होंदे आ लोकां दे, लेकिन साडा एजेंडा है असीं जिहड़े लोक जिहड़े साडे नाल जुड़े होए ने उन्हां नाल धोखा नहीं कर सकते, असीं सोचा नहीं जा सकदा। पंजाब दे मसले ने, पंजाब दे मुद्दे ने, उन्हां लई आउण वाले समय सारियां गल्लां सामने आ जाणियां ने, कोई गल लुकी तां रहिणी नहीं, लेकिन नाल दी नाल क्लीयर करनी बड़ी जरूरी आ कि अज साडी जिहड़ी इमेज हैगी आ उहनूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही आ। सो पार्टी दे आगू जो इहियां गल्लां करदे आ बड़ा दुख लगदा। देखो जो वर्करां दीआं भावनावां ने, असीं हल्कियां दे विच गए आ, असीं तां उहनां दी गल कर रहे आ वी आह भावनावां ने, उहनां ते असीं कम करिए, उहनां मुताबक जे असीं फैसले लवांगे तां पार्टी मजबूत हो सकदी आ। सो इह कहिड़े पासे नूं तुर पए तुसीं? सो देखो मेरी बेनती आ वी इह होछियां गल्लां छड्डो, अपनी पार्टी जिहड़ी पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी आ श्रोमणी अकाली दल, अज समुच्चे पंजाब दे विच देश विदेश जिथे वी सिख बैठा उह चाहुंदा इह पार्टी मजबूत होवे, ते मजबूत किवें होणी आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।